फिर से कुछ क्वेश्चन को ही करेंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है एक पॉइंट ओ है किसी ग्राउंड पे, उससे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर से लिया जा रहा है। टावर के ऊपर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ओ पर बन रहा है जो कि 30 डिग्री का है। फिर कह रहा है दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यानी कि एक टावर है, टावर के ऊपर फ्लैग स्टफ है, ठीक है? तो फ्लैग स्टफ से अगर लिया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो 60 है। तो बताना है इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, कह रहा है अगर फ्लैग स्टफ के लेंथ 5 मीटर है तो फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले एक टावर मान लेते हैं यहां से यहां है, ठीक है? ये हमारा टावर हो गया। यहां से एक पॉइंट ओ लिया जा रहा है, यहाँ पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से टावर यानी टॉप टॉप ऑफ टावर ये हुआ। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। आगे कह रहा है इसी के ऊपर एक ध्वज स्तंभ है, ठीक है? जहां ध्वज फहरता है, यानी जहां पे हम कोई कोई भी फ्लैग को क्या फहराते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लैग स्टफ कहेंगे। उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 है, ठीक है? अब अगर लिखा जाए ए बी और सी, तो पहले सबसे पहले क्या होगा हमारा, बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है? बी सी क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ। ठीक है, आगे दिया हुआ है एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ सी जो है वो हमारा 30 डिग्री है और एंगल ए ओ सी जो है वो हमारा 60 डिग्री है, ठीक है? दिया हुआ है द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 5 मीटर है, तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर यानी बी सी निकालना है। इसे हम एक्स लेके चलते हैं, ठीक है? अब लेके क्या चलेंगे, इन ट्रायंगल छोटे वाले को लेकर चलते हैं बी ओ सी, ठीक है? ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉस थीटा, सॉरी बी बाई बी है तो 10 थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाय ओ सी। 10 30 का वैल्यू 1/√3, बी सी हमारा क्या है, एक्स है। फिर ओ सी क्या है हमारा, ओ सी नहीं दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा, x√3 इज इक्वल टू ओ सी, यानी ये जो ओ सी आ गया वो हमारा क्या है, x√3 है। अब क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, क्या होगा इसमें, तो 10 60 इज इक्वल टू होल टोटल ए सी, ये परपेंडिकुलर बाय ओ सी, यही होगा। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। एसी हमारा क्या है, एसी अगर लिया जाए तो 5 + x लिख सकते हैं और ओसी हमारा क्या है, x√3 है पहले इक्वेशन से, तो हम पुट कर सकते हैं √3x। √3 यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी √3 × √3 √3 × √3x इज इक्वल टू 5 + x, यही होगा होगा। √3 √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 5 + x होगा, x यहाँ क्या है प्लस में, इधर आके माइनस, यानी 3x - x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5। x क्या गया हमारा, 2.5। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ और कैसे बना ये मैं बता देती हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ लिया गया ग्राउंड पे, ये हमारा ओ पॉइंट है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये यहां से यहाँ टावर लिया गया, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना। फिर कह रहा है दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर के ऊपर फ्लैग स्टफ लगाया जाता है, तो कह रहा है कि इससे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 का है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ यानी फ्लैग स्टफ का लेंथ अगर 5 है तो फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, यानी ये वाला हमें फाइंड करना है। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लिया गया, तो मेनली कि एक्स अगर लिया गया तो हमें क्या ये फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में ये क्या है, सेम है। तो पी और बी, पी और बी लिया गया, इन ट्राइंगल बी ओ सी लिया गया, 10 30 इज इक्वल टू बी सी बाई ओ सी ले लिया गया, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल टू एक्स बाई ओ सी लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ओ सी इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री आया, ठीक है?
अब बड़े वाले को लेकर चलिए, बड़े वाले में क्या हो जाएगा, एसी बाय ओसी, एसी बाय ओसी इज इक्वल टू 1060 लिया गया, ये हमारा 5 और x है तो 5 प्लस x लिखा गया, रूट 3 का रूट 3 1060 की वैल्यू, और OC फर्स्ट इक्वेशन से OC की वैल्यू रूट 3x होगी, ये यहाँ डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे वही किया गया, यहाँ पे देख लीजिए ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3x, 5 प्लस x, ये प्लस में इधर आके माइनस, 2x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बाई 2, देयरफॉर 2.5 मीटर आया ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, इसके बाद दिया हुआ है विच इज 100 मीटर वाइड, ठीक है, इसके बाद है एट अ पॉइंट ऑन द रोड, एट अ पॉइंट ऑन द रोड, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, the angle of elevation of the top of the pillar are हाइट ऑफ ईच पिलर, चलिए तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, दिया गया है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर लिया गया दोनों का हाइट सेम है, स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड के इस पार है एक रोड के इस पार है, आई कह रहा है विच इज 100 मीटर वाइड और जो रोड है वो चौड़ा है कितना 100 मीटर, कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पर एक बीच में पॉइंट लिया गया है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का एक का 60 है एक का 30 है, तो हाइट ऑफ पिलर बताना है। सबसे पहले फिगर इस तरीके से होगा, मान लेते हैं ये तो क्या होगा, ये तो हमारा पिलर होगा, ये बीच में रोड है, रोड क्या है यहां से यहां तक 100 मीटर वाइड है ठीक है, अब इस रोड के बीच में एक पॉइंट लिया गया है ठीक है, जिससे कि एक का एंगल और दूसरे का एंगल, एक का एंगल 60 है एक का एंगल 30 है ठीक है, ये ए ये बी ये सी ये डी और ये ई लिया गया ठीक है, आगे क्या है, अगर ये 100 है तो ये हमारा क्या होगा x होगा, ये 100 है तो ये x, तो ये हमारा 100 माइनस x इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं, अब जब ऐसा होगा तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पहले देखते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा बेस ये हमारा परपेंडिकुलर, लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू सॉरी 1060 इज इक्वल टू क्या होगा ए बी बाय बी सी, 1060 की वैल्यू रूट थ्री, रूट थ्री ए बी की वैल्यू ए बी ही रह गई और बी सी की वैल्यू एक्स, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा रूट थ्री, ये एक्स डिवाइड में है पहला इक्वेशन, दूसरे ट्रायंगल को लेके चलेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, उसमें क्या हो जाएगा 1030 होगा, 1030 इज इक्वल टू ई डी बाई बेस परपेंडिकुलर बाय बेस सी डी ठीक है, 1030 की वैल्यू 1/√3, ई डी हमारे पास सी डी ही रह जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लिया जाए इसे तो क्या आएगा हमारा 3 ई डी इज इक्वल टू
हंड्रेड माइनस एक्स इस तरीके से, फिर यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब क्या है ए बी और ए डी ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि दोनों पिलर का हाइट सेम है। तो हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वल कर लेते हैं। इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू, इक्वेशन वन है हमारा रूट थ्री एक्स और इधर हो जाएगा हंड्रेड माइनस एक्स और ये हो जाएगा थ्री, थ्री यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा थ्री रूट थ्री एक्स हंड्रेड माइनस एक्स, ये एक्स यहाँ प्लस में इधर आके माइनस, सॉरी ये माइनस पे धारा के प्लस, एक्स अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा सॉल्व कर लेंगे तो एक्स हमारा क्या होगा नीचे वाला पार्ट निकलेगा। जब नीचे वाला निकल जाएगा तो हम ए बी को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।